तो लग रहा है एक्चुअल में सेथ रॉलिंस को होने वाला है खतरा इस साल समर स्लैम प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, बिकॉज आज मंडे नाइट रॉ में तो उनकी जमकर कुटाई हो चुकी है। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। WWE का जो आज हुआ मंडे नाइट रॉ का एडिशन है अब वो हो चुका है, एंड ऑफकोर्स शो पर बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन जो शो की मेन चीजें सिर्फ उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो ये थी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेथ रॉलिंस और फिन बैलर के बीच में। क्या यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट ने कैश इन करने का ट्राई किया? सेथ रॉलिंस ने ऐसे क्यों कहा कि भैया अगर तुम चैंपियन बन भी जाओगे वो तुम्हारी एक और शॉर्टेस्ट चैंपियनशिप रेन होगी, और भी जो सेगमेंट के अंदर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो बेसिकली पहले फिन बैलर आते हुए नजर आ रिंग के बीचों बीच में, फिन बैलर अकेले ही आते हैं, चेयर वगैरह एकदम टेबल वगैरह सब सेट होते हैं ऑल, एंड यहां पर आके बैलर बात करते हैं किस तरीके से उन दोनों का मैच एक बार फिर से होने वाला है, और दोनों एक्चुअल में जेंटलमैन है तो दोनों सारी चीजों को जेंटलमैन की तरह ही निपटाते हुए नजर आएंगे, इसलिए वो अभी फिलहाल कॉल आउट करते हैं सेथ रॉलिंस को। और जो क्राउड है वो फिन बैलर को ढंग से बोलने तक नहीं देते, बिकॉज वो हमेशा सेथ का जो थीम सॉन्ग उसे गाता हुआ नजर आया, लेकिन फाइनली सेथ रॉलिंस के कहने पर वहां से हमारे सेथ फ्रीकिंग फिन बैलर के कहने से हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस आते हुए नजर आए, एंड क्राउड जो ने रिएक्शन देता है वो लिटरली एक अलग एक गजब लेवल का रिएक्शन होता है। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि फाइनली जब सेथ रॉलिंस आते हैं दोनों आराम से बैठ सीट कर बातचीत करते हैं, तो सेथ रॉलिंस कहते हैं देख भाई तू पहली बार तो चैंपियन बन नहीं पाएगा, लेकिन सुना मैंने कि मिराकल्स होते हैं, तो चल मान लेते हैं मिराकल के कारण तो एक बार फिर से चैंपियन बन गया ना, तो ये तेरी पिछली वाली चैंपियनशिप रेन से भी छोटी होने वाली है। पिछली बार तो एक दिन तो चैंपियन रहा था, लेकिन एक तो कुछ मिनट चैंपियन रहेगा, बिकॉज तेरा ही बंदा तेरा ही मेंबर जजमेंट डे का डेमियन प्रीस्ट कैश इन करेगा तेरे पे, और मैं ये जानता हूँ तू ये खुद बात जानता है कि कैश इन वो करेगा, और तू ये जानता है कि मतलब कि डेमियन प्रीस्ट कैश इन करना पूरे तरीके से कंफर्म है, लेकिन तू सोच रहा है फिर भी कि शायद वो एक सेकंड के लिए ना करे। सेथ रॉलिंस को जिस तरीके से प्रोवोक करते हैं, और इवन यहाँ पर वो ये भी कहते हैं बैलर को कि भाई देख तेरे जीतने का वैसे भी चांस नहीं, क्योंकि मैं तुझे बता दूंगा मैं रेवोल्यूशनरी मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्यों हूँ कंपनी के अंदर, और जो तेरा पुराना वाला हिसाब है ना सिर्फ वैसे ही तेरा हाल करने वाला हूँ मैं वहाँ पे। फाइनली यहाँ पर फिन बैलर माइक लेते हैं, फिन बैलर बात करते हैं कि भाई इस तरीके से उन दोनों का फाइनली मैच होने वाला जो 7 साल की खुन्नस है अभी फिलहाल बैलर के मन में वो निकालते हुए नजर आएंगे सेथ रॉलिंस के हाथों, और सेथ को लग रहा है अगर वो बाजी जीत चुके तो पूरे तरीके से गलत है। ऑल सडन जो रिया रिपली है जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स हैं वो सराउंड कर लेते हैं सेथ रॉलिंस को रिंग के चारों तरफ से। अब ये लोग भाई एकदम यू नो स्टेयर डाउन करते हैं सभी मेंबर्स सेथ रॉलिंस की तरफ, एकदम जमकर उसकी धाड़ दुम कुटाई करते हुए नजर आए। सैमी ज़ेन बेचारे बचाने के लिए आते हैं क्योंकि केविन ओवंस को भी इन लोगों ने इंजर किया था इससे पहले वो मंडे नाइट रॉ के कुछ सेगमेंट्स में, तो यहाँ पर अचानक से भाई उनके ऊपर भी हमला हो जाता है। फाइनली सेथ रॉलिंस जो है अकेले पड़ते हैं, डेमियन प्रीस्ट कैश इन एक सेकंड लगा था करेंगे, लेकिन उसके बाद एक एक करके सबको आता है फिनिशर, और जजमेंट डे स्टैंड टॉल करती है, और सेथ रॉलिंस की कुछ इस तरीके से आज रॉ के अंदर कुटाई हुई है। बाकी देखो क्या होता है इस बार WWE के आने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर, क्या सही में बैलर डिथ्रोन कर पाएंगे, लेकिन एक बार फिर से टेंशन भी अराइज हुई है फैक्शन के अंदर, और दिखाया गया कि शायद डेमियन प्रीस्ट कैश इन कर सकते हैं। बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। बाकी हाँ मंडे नाइट रॉ के अंदर कोडी वगैरह भी आते हैं, गंथर भी और ड्रू मैकइंटायर आमने सामने आते हैं, गंथर ने उन्हें पीटने का ट्राई किया लेकिन मैकइंटायर ने चीज़ों को रिवर्स कर डाला। लोगन पॉल और हमारे रिकोशे भी आते हैं जिनकी वीडियो क्लिप तुम भी देख रहे होगे इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, जहां पर आराम से लोगन पॉल अपना पता नहीं वीलॉग वीलॉग बना रहे थे और रिकोशे ने फेल दिया उन्हें। चलो ठीक है इस वाली वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, वीडियो पसंद आए वीडियो को नीचे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को करो ऑन, एंड तुमसे मिलता हूँ आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय टेक केयर।